उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक चुनावी स्थितियों को लेकर तैयारियां एंटी पार्टी बीजेपी से एंटी होने वाली पार्टियों की भी बेहद अनोखी हैं। इस बीच नव्या हरिदास जो 39 साल की हैं उनकी हो रही है चर्चा। कोझिकोड कॉरपोरेशन में 2 बार पार्षद रह चुकी नव्या हरिदास जो बीजेपी की पार्षद दल की नेता है और बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। हरिदास के पास KMCT इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर कालीकट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री है। पढ़ाई में इतनी अव्वल हरिदास कैसे प्रियंका गांधी के लिए चुनौती बनी है और कैसे बीजेपी की नव्या हरिदास वायनाड में प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए तत्पर हो चुकी हैं, आइए उनके बारे में कर लेते हैं बात। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ वायनाड लोकसभा उपचुनाव में नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। मतदान 13 नवंबर को होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में कोझिकोड कॉरपोरेशन में 2 बार पार्षद रही नव्या हरिदास जो बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य कमान संभाल रही हैं उनके बारे में बात करें तो 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी की उम्मीदवार थी वो, फिर लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद देवरकोल से वो हार गई थी। वायनाड की मांगे पूरी नहीं कर रही कांग्रेस कहकर उन्होंने हल्ला बोल प्रियंका गांधी के खिलाफ शुरू किया। वायनाड क्षेत्र की ज़रूरतों पर जोर देते हुए नव्या ने बातचीत में कहा वायनाड के लोगों को प्रगति की ज़रूरत है। कांग्रेस परिवार वास्तव में वायनाड के लोगों को आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। चुनौती प्रियंका गांधी के लिए खड़ी कर चुकी नव्या का ये है कहना। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के प्रचार में लंबे चौड़े भाषण दिए। उन्होंने प्रशासनिक अनुभव के बारे में बात की, पार्षद रूप में चुनी गई इस बारे में बात की, अपने राजनीतिक अनुभवों के बारे में बात की। ऐसे में समझ में आना चाहिए कि प्रियंका के लिए यहाँ कठिन होगा चुनाव लड़ना। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम तृप्ति की रिपोर्ट।